हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, चलिए तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है 9:30 बजे वाली क्लास में हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए सभी। और दोस्तों ध्यान रखें, डेली ये जो साइंस के 1000 MCQs हम लोग कर रहे हैं, साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सब इंक्लूड कर रहे हैं दोस्तों, इसको मिस ना करें। डेली 1 PM पर ये होती है, आज नहीं होगी ये, आज कुछ काम होने की वजह से कल ही आप लोगों की क्लास होगी, ध्यान रखेंगे। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों सर्च करिए मेरा नाम, मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को सभी क्लासेज मिल जाएगी। गोल सेलेक्ट कर ले दोस्तों, SSC एग्जाम्स इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से पहले दोस्तों कोड पूछा जाता है, तो कोड में आप लोग डाल दीजिए Neeraj11, इसको आप लोग कर दीजिए अनलॉक, आ जाएगा ऑसम, यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। और दोस्तों 11 जनवरी से आप लोगों के टॉप टीचर्स के टॉप बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। ये सभी टॉप बैचेज आप लोग एक सब्सक्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हो, और आपको यहाँ पर क्या मिलता है, हर वीक 30,000 नए बैच, 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो सभी टॉप टीचर्स की क्लास आपको मिल जाएगी। कौन कौन से बैच स्टार्ट हो चुके हैं, CGL का, CHSL का और आपका CET का, तो आज ही आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। 2 साल का, 24 महीने का, 7200 का है, रेफरल कोड यूज करेंगे Neeraj11, तो ये आपका 6,480 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग SSC बैंक रेलवे का कंबाइंड चाहते हो तो 1 साल का दोस्तों 14,450 का है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग Neeraj11 यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा Neeraj11 यूज करने पर। इन 14,450 का 13,000 रुपए का मिल जाएगा ये आपका, 13,500 रुपए का, और आपका 3 साल का 18,207 का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। चलो आ जाओ। और मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको, कि कुछ जने सोच रहे हैं कि सर कल एनालिसिस क्यों नहीं हुआ था, आज एनालिसिस क्यों नहीं हुआ था। दोस्तों 14 और 15 को कोई भी पेपर नहीं है ना, 14 और 15 यानी 14 और 15 को कोई भी पेपर आपका नहीं था। अब डायरेक्ट जो पेपर है कल है 16 को है, सेकंड फेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। गैसेज इन प्लांट आर एक्सचेंज थ्रू, ठीक है बताएंगे, गैसेज इन प्लांट्स आर एक्सचेंज थ्रू, तो जो गैसेज होती है वो किससे आपका एक्सचेंज होती है बताए। चार आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टोमेटा, लेंटिकल, क्यूटिकल, बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसमें गैसेज नहीं था, इसमें शायद एक्स्ट्रा वाटर था ना, एक्स्ट्रा वाटर इन प्लांट, एक्स्ट्रा वाटर था ना, एक्स्ट्रा वाटर जो पौधों में अतिरिक्त पानी होता है ना, अतिरिक्त पानी, ठीक है, उसका ट्रांसपिरेशन। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, इसमें थोड़ा सा है ना मतलब लैंग्वेज मिस्टेक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन से रोग बैक्टीरिया से होता है, इसमें बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज आप लोगों को बतानी है। चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए एक आपको दिया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस यानी TB आपको दिया हुआ है, पोलियो दिया हुआ है, स्मॉल पॉक्स दिया हुआ है और मम्स दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों पोलियो की, स्मॉल पॉक्स की, मम्स की, तो ये तो तीनों किससे होते हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं, समझ पा रहे हो आप लोग। और ये आपका जो TB होता है, तपेदिक होता है, ये आप लोगों का बैक्टीरिया से होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो माइक्टोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से ये आप लोगों का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, बाकी के तीन आपके वायरस से होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को आप लोग क्या बोलते हो, ठीक है, जो आप लोगों के नदियों में, तालाबों में जो हरे पौधे पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे दोस्तों पानी पे जो काई जम जाती है ना, काई वो ग्रीन ग्रीन कलर की, तो वो भी क्या है, एक प्रकार के प्लांट ही है। तो वो जो ग्रीन ग्रीन आपके जो हरे पौधे हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो काई आप लोग देशी भाषा में बोलते हो दोस्तों, वो एल्जाई होते हैं, शैवाल होते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्जाई यानी शैवाल। और क्या कोई मुझे बताएगा क्या कि जो एल्जाई होते हैं ये किस तरह के प्लांट्स हैं, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है या टेरिफाइटा है, बताइए, या जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अभी NTPC में बहुत पूछे जा रहे हैं, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बताइए दोस्तों जो एल्जाई होता है, शैवाल होता है, वो किस प्रकार का प्लांट है,
कमेंट करके आप लोग बताएंगे वो किस प्रकार का प्लांट है। पांच मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, बताइए। देखते हैं कितने जने आंसर दे पाते हैं। थैलोफाइटा, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो थैलोफाइटा ही आपका कौन सा प्रकार का प्लांट है, ये आपका थैलोफाइटा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में से एक परमाणविक गैस कौन सी है, मतलब किस में केवल एक परमाणु है, वो आपस में जुड़ जुड़ के दोस्तों आपका डाई एटोमिक या ट्राई एटोमिक नहीं बना रहा है, वो केवल और केवल मोनो एटोमिक है, केवल और केवल आप लोगों का एक एटम से मिलकर बना है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो आप लोग सभी जानते हो दोस्तों हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, तो ये अपने पास वाला जो हाइड्रोजन है उससे मिलके क्या बना लेता है, आपका डाई एटोमिक बना लेता है ये आपका ना। डाई एटोमिक का मतलब क्या दोस्तों, इसमें दो एटम है, दो परमाणु है। जबकि आपको पता है दोस्तों हीलियम है वो आपकी एक इनर्ट गैस है, वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल अक्रिय है, उसको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों का सिंगल स्टेट में यानी मोनो एटोमिक स्टेट में यानी एक परमाणुविक स्थिति में भी क्या रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। तो हीलियम में क्या होता है, एक परमाणु होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म होता क्या है, ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में आया था, तो आप लोगों को सभी को पता है क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज करा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका CHCl3, और इसको बनाने में किसका यूज करा जाता है दोस्तों, मीथेन का करा जाता है। कैसे करा जाता है आइए देखें। तो दोस्तों आप लोगों का जो क्लोरीन होता है, जब आप लोग इसको मीथेन के साथ में गर्म करोगे कितने टेम्परेचर पे, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्लोरीन को जब आप लोग मीथेन के साथ में गर्म करते हो तब जाके आप लोगों को क्लोरोफॉर्म निकलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बेहोश करने में इस्तेमाल होता है। तो क्लोरीन को किसके साथ में गर्म करा जाता है, मीथेन के साथ में, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताएंगे आप लोग सभी। निम्न में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, अल्कलाइन ऑक्साइड कौन सा है, या फिर आप लोग बोल सकते हो इनमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड है। तो दोस्तों होता क्या है, जितने भी आप लोगों के मेटल्स होते हैं, तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, आप लोगों के ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो आपके नॉन मेटल होते हैं ना यानी अधातु होते हैं, नॉन मेटल यानी अधातु, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आप लोगों के अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आप लोगों से क्षारीय ऑक्साइड पता करना है कि कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो दोस्तों मेटल का ऑक्साइड देख लो, इसमें से कौन मेटल है आपका, सल्फर मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है दोस्तों, सोडियम क्या होता है आपका मेटल होता है, तो इस मेटल का ये ऑक्साइड है ना, तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन किस में होता है, तो सब्लिमेशन होता क्या है, तो अगर आप लोग कोई सॉलिड है, कोई ठोस है, इसको अगर आप लोग गर्म करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये आपके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और गर्म करोगे तो ये आपका गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर सॉलिड आपका सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और ये किस किस में होती है दोस्तों, एक तो आपकी होती है कैम्फर में, यानी दोस्तों कपूर में होती है ये, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर में ही होती है। आप लोग देखते होंगे पूजा में जो कपूर यूज करते हो, गर्म करते हो, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट थोड़ी होता है वो, ठीक है। चलो आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। जिंक फॉस्फाइड को जनरली किस रूप में प्रयुक्त करते हैं, जो जिंक फॉस्फाइड होता है ना उसको किस रूप में आप लोग यूज करते हो, तो जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो आप लोगों का एज अ रोडेंटिसाइड यूज होता है। रोडेंटीसाइड का मतलब क्या है दोस्तों, चूहे के मारने की दवाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोडेंटीसाइड बोलते हैं, चूहे को मारने की दवा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप लोगों का होता है दोस्तों जिंक फॉस्फाइड, और इसको हम लोग रोडेंटीसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रोडेंटीसाइड का मतलब क्या है, चूहे को मारने की दवा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, ग्लूकोमा और टैक्रोमा बीमारी है, ये किसकी बीमारी है, कौन से ऑर्गन की डिजीज है, बताइए आंसर बताइए। तो अगर हम लोग बात करें ग्लूकोमा और ट्रैकोमा की, तो दोस्तों ये आपके आंख की, आंख ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ये आई हो जाएगा ना, आई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, देखिए आप लोग सभी जानते हैं ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है कॉर्निया, और ये आपकी ह्यूमन आई की बॉल हो गई। तो दोस्तों ये जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, इसमें क्या जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है, इसमें फैला हो जाता है, तो इनमें आंखों का क्या हो जाता है, कॉर्निया बढ़ जाता है, तथा आंखें क्या हो जाती है, आपकी लाल हो जाती है। तो ये कॉर्निया देख रहे हो, इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये डिजीज कौन सी है, आपकी आंख की डिजीज है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडरेटर होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को मॉडरेटर। तो जो मॉडरेटर होता है, मंदक होता है, ये क्या होता है, जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। और आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्यों चाहते हैं कि न्यूट्रॉन की गति कम हो, क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए ये यूरेनियम है, तो इसमें जब एक न्यूट्रॉन जाएगा तब जाके क्या होता है दोस्तों, ये टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो हम लोग चाहते हैं इस न्यूट्रॉन की, इससे प्रॉपर रिएक्शन हो पाए। तो प्रॉपर रिएक्शन कब होगी, जब इसकी स्पीड स्लो होगी, समझ पा रहे हो बात को। तो इस न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉडरेटर का। और मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करा जा सकता है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, हैवी वाटर यानी भारी जल और ग्रेफाइट। तो देखिए भारी जल भी ऑप्शन में, ग्रेफाइट भी है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिली कि बेरिलियम भी किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में। दोस्तों जो बेरियम होता है उसका यूज तो कंट्रोल रॉड के रूप में होता है, नियंत्रित छड़ के रूप में, लेकिन जो बेरिलियम है उसका आपका मॉडरेटर के रूप में होता है, मंदक के रूप में। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आ जाइए, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है। सोडियम जिंकेट का आप लोगों को फॉर्मूला बताना है, जल्दी बताइए। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं सोडियम जिंकेट का, और आप लोगों से एक बार क्वेश्चन में यह भी पूछा गया था कि सोडियम जिंकेट का निर्माण कैसे होता है, सोडियम जिंकेट का निर्माण कैसे होता है, यह भी आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्मूला, तो Na2ZnO2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसका निर्माण कैसे होता है, तो दोस्तों जब आप लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, मुझे कोई बता सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये ही आपका क्या होता है दोस्तों, कास्टिक सोडा होता है, ये ही क्या होता है आपका, कास्टिक सोडा होता है। तो जब आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से करवाते हो, तब आप लोगों को मिलता है सोडियम जिंकेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, तो Na2ZnO2 हो जाएगा। इसका निर्माण कैसे होता है, जब जिंक की अभिक्रिया आप लोग कास्टिक सोडा से करवाते हो, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्न में से कौन एक कैटायन है। तो कैटायन का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपका धनायन होता है। धनायन का मतलब क्या होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनमें से किस में पॉजिटिव चार्ज है, आप लोग बताइए। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं, बताइए। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या लगता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4+, तो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है क्या, बिल्कुल है। अब बाकी की बात करते हैं, देखो इधर आओ, तो आपको ऑप्शन में कार्बोनेट दिया हुआ था, कार्बोनेट होता है CO3-2, मतलब इस पे जो चार्ज है वो -2 है। तो क्या ये कैटायन हो सकता है क्या, ये आपका होगा एनायन यानी ऋण आयन। और कौन सा दिया हुआ था ऑप्शन में आपको, हाइड्रोक्साइड दिया हुआ था, हाइड्रोक्साइड कहीं दिया हुआ है क्या, तो हाइड्रोक्साइड ये रहा OH-,
इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, और एक आपका हो जाएगा नाइट्रेट। तो देखिए नाइट्रेट जो है इस पे भी आपका नेगेटिव चार्ज है, NO3-, ठीक है। तो ये सभी के सभी आप लोगों के कैसे हैं, एनायन है। आप लोगों से क्वेश्चन में कैटायन पूछा था, इसलिए राइट आंसर आपका अमोनियम हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, बताओ। मतलब क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है कि दोस्तों जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज आपका किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोग सभी जानते हैं ग्लूकोज से जब एनर्जी मिल रही है तो ये आप लोग के दो तरीके से हो सकती है। मतलब ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, तब जाके आप लोगों को एनर्जी मिलती है ना। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, आप लोगों का वायवीय श्वसन, तो ये आप लोगों का कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और आप लोग देख सकते हो दोस्तों जब ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6, जब इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो जब आप लोग का इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आपको 673 कैलोरी एनर्जी भी मिलती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो इनमें से कौन सी डिजीज आप लोग के बैक्टीरिया से होती है बताइए। तो रेबीज की अगर हम लोग बात करें तो ये तो आप लोगों का किससे होता है, ये तो आप लोगों का वायरस से होता है। कैंसर की हम लोग बात करें तो ना ये सेल से होता है, सॉरी ना ये वायरस से होता है, ना बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया की बात करें तो दोस्तों ये आपके प्रोटोजोआ से होता है। टीटनेस की बात करें तो ये आप लोगों का होता है बैक्टीरिया से। और क्या आप लोग मुझे बता सकते हो टीटनेस का दूसरा नाम क्या है, टीटनेस का दूसरा नाम होता है दोस्तों लॉग जॉ, क्या होता है, लॉग जॉ। और अगर हम लोग बात करें ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लॉस्ट्रोडियम टेटेनी, इसके बैक्टीरिया का यानी जीवाणु का नाम हो जाएगा जिससे आपको टीटनेस होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बताइए जरा। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया आप लोग पानी के साथ में करवा रहे हो तो क्या आप लोगों को एज अ प्रोडक्ट मिलेगा बताइए, आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। देखिए तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को आप लोग क्या बोलते हो, बिना बुझा हुआ चूना भी आप लोग बोलते हो दोस्तों, क्विक लाइम भी इसको बोला जाता है या सिंपली लाइम भी इसको बोला जाता है। तो जब आप लोग इसकी अभिक्रिया करवाओगे वाटर के साथ में तो क्या मिलता है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और ये आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को ही आप लोग क्या बोलते हो, स्लैग्ड लाइम बोलते हो, इसी को ही आप लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हो यानी भुजा हुआ चूना बोलते हो, इसी को ही आप लोग भुजा हुआ चूना बोलते हो। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, क्या मिल रहा है आप लोगों को, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण, तो कॉपर नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, कास्टिक लाइम, कास्टिक चूना, देखो इसको है ना ऑप्शन ये कर लो, इसको है ना स्लैग्ड लाइम कर लो, इसको स्लैग्ड लाइम कर लो यानी भुजा हुआ चूना कर लो इसको, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, या फिर आप लोग इसको चूने का पानी भी बोल सकते हो। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई कर लो, है ना, जो जनरली आप लोग को बोला जाता है वो यही टर्म दिया जाता है, स्लैग्ड लाइम या फिर आप लोगों को लाइम वाटर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताएं आप लोग। अधातु तत्व डैश कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में होता है, तरल अवस्था में होता है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों जो नॉन मेटल्स होते हैं यानी जो अधातु होते हैं
वो आप लोगों के या तो सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं ठोस अवस्था में, या वो लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं, या वो गैसेज स्टेट में हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों का इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जो तरल अवस्था में होता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? ब्रोमीन है। अगर हम लोग बात करें ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में रहता है, जैसे मान लो आयोडीन इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे गैस स्टेट में रहने वाले कुछ नॉन मेटल्स का एग्जांपल दो, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो आपके जितने भी नॉन मेटल है सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं, लिक्विड में भी रहते हैं, गैस में भी रहते हैं, लेकिन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, धातु है, जो लिक्विड स्टेट में रहता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जिंजर इज ए टाइप ऑफ, जिंजर क्या है आप लोगों का? मतलब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जो जिंजर आप लोग खा रहे हो प्लांट का कोई ना कोई भाग होगा। तो क्या है? तना है, रूट है, पत्तियां है, क्या है ये? तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों तना, यानी स्टेम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बात करें पौधे के खाने योग्य भाग, तो आप लोगों को ये मैंने पहले भी टेबल बताई थी। तो दोस्तों जो प्याज आप लोग खाते हो, लहसुन आप लोग खाते हो, अदरक आप लोग खाते हो, गन्ना आप लोग खाते हो, आलू की अगर हम लोग बात करें, हल्दी की अगर हम लोग बात करें, तो ये सभी के सभी दोस्तों क्या होते हैं? तना होते हैं, स्टेम होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। कल 16 जनवरी है, यानी कल आप लोगों को सुबह 9:30 बजे मैं एक वीडियो करवा दूंगा, जिसमें आप लोगों से दोस्तों आपको पता ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या है? एथिमोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो क्या ये चीज़ का एक वीडियो बना दूँ कि मैं छोटा सा, जिसमें सभी के सभी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फिशेज क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ मैं आप लोगों से बोलूँ प्लांट्स क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कल मैं एक सुबह 9:30 बजे वीडियो कर दूंगा, जिसमें मैं आपको सभी ब्रांचेस बता दूंगा बायोलॉजी की, जैसे स्टडी ऑफ फिशेज क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो होगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो व्हाट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप लोग जानते हैं व्हाट क्या होता है आप लोगों का, जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। और दोस्तों देखिए, 1 PM वाली क्लास मिस मत करा करो आप लोग, अनअकैडमी पे जो होती है, सारे MCQ उठा के देख लो, सारे वहीं से आ रहे हैं, 1 PM वाली क्लास से, दोपहर 1 बजे वाली क्लास से, जिसमें मैं साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। दोस्तों आज किसी कारणवश नहीं हो पाएगी क्लास, कल आप लोगों की होगी, मतलब रोज होती है 1 बजे, है ना, कभी भी इसकी छुट्टी नहीं होती, लेकिन आज नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई है ना, यदि किसी दर्पण की फोकल कर लो इसको, यदि किसी दर्पण की फोकल लेंथ या फोकल लंबाई प्लस बन रहा है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ आप लोगों का क्या होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या आपका नेगेटिव हो सकता है। ध्यान रखेंगे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। और कॉनकेव है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? कॉनकेव यानी अवतल, समझ गए? तो अगर ये आपका पॉजिटिव है तो क्या है? कॉनवेक्स है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। सर कंप्यूटर की क्लास लीजिए, जो बोल रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन में 1 बजे करवाता हूँ, आप वहां से देखो, है ना। चलो, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 मीडियम दिए हुए, 4 माध्यम, सबसे ज्यादा जो गति होगी प्रकाश की वो कहाँ पर होगी बताइए। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों वाटर, वैक्यूम, एयर, ग्लास बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वैक्यूम, ऑप्शन नंबर बी। वैक्यूम में कितनी होती है दोस्तों? 3×10^8। दोस्तों एयर में भी लगभग इतनी होती है, लेकिन वैक्यूम से थोड़ी सी कम होती है,
क्योंकि आप लोगों को पता है वैक्यूम का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, तो लाइट इजीली ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन एयर में दोस्तों एयर के तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ रहे हो बात को, तो थोड़ा सा आपको लाइट को चलने में प्रॉब्लम आएगी, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम से थोड़ा सा कम होती है। तो जब वैक्यूम और एयर दोनों आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ तो ऑब्वियसली दोस्तों हम लोग किस पर टिक करेंगे, वैक्यूम, वैक्यूम नहीं होता तो आपका आंसर एयर हो जाता। तो बाकी बात करें वाटर की, तो वाटर में कितनी होती है 2.25 × 10⁸, ग्लास में कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो सबसे ज़्यादा किस में आपकी वैक्यूम में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्यूम में 3 × 10⁸ है, एयर में भी हम लोग इतनी मानते हैं लेकिन थोड़ी सी कम होती है, वैक्यूम से ध्यान आप लोग रखेंगे। वाटर का मैंने बता दिया 2.25 × 10⁸, ग्लास की 2 × 10⁸, ओके चलो आगे। कुछ जने बोल रहे हैं सर एनिमल किंगडम, दोस्तों मैंने आपको बोला था एनिमल किंगडम कराऊंगा लेकिन मुझे याद आया मैंने कुछ दिन पहले ही तो करवाया था स्पेशल क्लास में, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम मैं आपको करवा चुका हूँ, अनअकैडमी प्रोफाइल पे मेरी स्पेशल क्लासेस में देख लेना आपको दिख जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको करवा चुका हूँ, मेरे को लगा मैंने नहीं करवाया। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स इन द ऑडिबल रेंज, कौन सी फ्रिक्वेंसी का साउंड आप लोग सुन सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड आप लोग सुन सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सर ग्रुप डी के लिए यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब पे भी होगी लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग दोपहर 1 बजे आप लोगों की क्लास चल रही है साइंस की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, तो वहां से आप लोग प्रिपेयर कर लो जब तक। तो सूर्य की किरणें की तीव्रता को मापने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोमीटर। अगर हम लोग बात करें ये एस्ट्रोमीटर क्या होता है, तो दोस्तों ये तारों की ब्राइटनेस मापता है, तारों की ब्राइटनेस भी मापता है और आप लोगों का दोस्तों रिलेशन भी मापता है तारों में डिस्टेंस वगैरह, ये है ना। अगर हम लोग बात करें क्रिस्कोग्राफ क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं प्लांट ग्रोथ जो होता है ना, मैंने आपको बताया भी था ये 1 बजे क्लास में आता है क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ जो मेजर करी जाती है ना, प्लांट की ग्रोथ वो किससे करी जाती है, क्रेस्कोग्राफ से करी जाती है। बैरोमीटर आप लोग जानते हैं ये एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, आंसर बताएंगे आप लोग, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष का जो इलाज होगा वो आप लोग किससे करते हो, कौन से लेंस से करते हो, तो आप लोग सभी जानते हो दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम क्या आती है, ये आप लोगों की ह्यूमन आई हो गई, ये लेंस हो गया, ये ऊपर सिलेरी मसल्स हो गई, तो जो भी प्रकाश की किरण आती है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इनको कन्वर्ट करके कहाँ पर भेज देता है, आपके रेटिना पर भेजता है। लेकिन जिनको दूरदृष्टि दोष होता है उसमें ये जो इमेज बन रही है प्रतिबिंब बन रहा रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है, इसका कारण क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस यार अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होगा, तभी तो पीछे जाके मिल रही है, तो एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कॉन्वेक्स लेंस विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए सर यूट्यूब पर दीपक सर की क्लास क्यों नहीं हो रही, दीपक सर का मुझे पता नहीं, शायद वो कहीं बाहर गए हैं किसी काम से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर क्या है, सर मेरा कमेंट शो हो रहा है, आप सभी का कमेंट शो हो रहा है ना, चलिए। तो क्वेश्चन है ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर इज, पानी का वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन है, चलिए बताइए ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर इज, पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो दोस्तों प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका क्या हो जाता है, ये वेपराइजेशन हो जाता है इसका, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन।
तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों ट्रांसपिरेशन किस प्रकार का प्रोसेस है, तो एक्स्ट्रा वाटर में आप लोग जब एनर्जी दोगे, सनलाइट दोगे, तब जाके इसका इवेपोरेशन होगा। समझ रहे हो क्या? तो ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है क्या? तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक, है ना। एंडोथर्मिक यानी आपका ऊष्माशोषी परिवर्तन है ये आपका एक प्रकार का, क्योंकि क्या कर रहा है, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चले आगे आइए, एक्सोथर्मिक में तो क्या होता है दोस्तों, इसमें तो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज होती है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताएंगे आप लोग, आंसर आप लोग बताएंगे। रामेश्वर धाकड़ जी है ना, मैंने कई देर से एक बच्चे का कमेंट वो कर रहा हूं नोट में, सर आप लास्ट में सीरियस नहीं है थर्ड फेज वालों के लिए, थर्ड फेज वालों के लिए है। रामेश्वर जी आप खुद अपने लिए सीरियस नहीं हो। अब आप लोग बोलेंगे सर मैं कैसे सीरियस नहीं हूँ, मैं तो क्लास आता हूँ रोजिना। तो क्लास तो आ रहे हो लेकिन रोजिना आप कमेंट में तो ध्यान दे रहे हो, आप तो पढ़ ही नहीं रहे, बाकी तो बच्चे तो सॉल्व कर रहे हैं कि आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। एक जन बोल रहा सर आप थर्ड फेज वालों के लिए सीरियस नहीं हो, तो थर्ड फेज वालों के लिए कैसे दिखाऊँ मैं थर्ड फेज वालों को सीरियस हूँ? मतलब अब देखो इस बच्चे का क्या है दिक्कत, इस बच्चे के साथ में, इस बच्चे का थर्ड फेज में आ गया। अगर ये सेकंड फेज में आता तो उसका डायलॉग क्या होता, सर आप सेकंड वालों के लिए सीरियस नहीं हो। अगर इस बच्चे का फर्स्ट में आता, सर आप फर्स्ट के वालों के लिए नहीं, आप लास्ट वालों के लिए तैयारी करवा रहे हो, तो उसका तो कोई वो नहीं है। आप लोग के एक भी दिन क्लास मिस होती नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसे करते हो, ठीक है। सिलेक्शन कहाँ से होगा फिर, आप खुद सीरियस नहीं हो, सब टीचर सीरियस होते हैं। चलो आंसर बताओ इसका। तो किसी वस्तु का जो संवेग है, मोमेंटम है दोस्तों, 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड तक बढ़ा रहे हो आप। मतलब कहने का मतलब है 5 सेकंड में संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो कितना आ रहा है, इतने का आ रहा है। तो आप लोगों को इसके लिए बल कितना लगाना पड़ेगा, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। आप लोग बोलेंगे बात समझ में नहीं आई, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन यानी चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों कितने समय में हुआ है, समझ पा रहे हो बात को? तो संवेग में कितना परिवर्तन करना है आप लोगों को, 40 का करना है, तो यहां पर लिख लीजिए 40। समय कितने में करना है आपको, 5 सेकंड में करना है, तो 40/5 आपका 8 हो जाएगा। तो और आप सभी जानते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चले आगे चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताओ। सर मेरा एनटीपीसी 72 के करीब सही हो रहे हैं, क्या मुझे CB2 की तैयारी करनी चाहिए ग्रुप डी की? देखो मैं आपको बताऊं 70-72 बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब मेरी रोज बात होती है स्टूडेंट से, तो आप लोग ऐसे ना समझे कि ना सभी के कोई 80 पोर्ट कह रहे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है 70-72। आप लोगों का इजीली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके 70-72 आप लोगों के करेक्ट है, समझ पा रहे हो बात को? बाकी अगर आपका शिफ्ट अगर हार्ड आया था तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, परेशान ना होइए। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच में गुरुत्वीय आकर्षण कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का मान लीजिए m1 मास है, ये आप लोगों का मान लीजिए m2 मास है। तो अगर हम लोग बात करें दोनों द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण की, तो आकर्षण फोर्स क्या होता है, F = gm1m2/r2। आर क्या है, दोनों के द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। तो अगर दोस्तों आपको पता जो फोर्स है वो किसके साथ में प्रोपोर्शनल है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो r की जगह 2r करोगे तो क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। यानी पहले तो दोस्तों आपका जैसे देखो पहले तो ये था फोर्स, अब कितना हो जाएगा आप लोगों का gm1m2/4r2। पहले तो इतना था, अब कितना हो गया, 4/5 हो गया, तो 1/4 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर मेरा रेलवे का एग्जाम हो भी गया फिर भी कंटिन्यू, बहुत अच्छी बात है उम्मीद जी। ठीक है चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए जल्दी से बताइए। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ये कहां पर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आप लोग सभी जानते हो, ये पीरियोडिक टेबल है,
ये आपका 18th ग्रुप है, ये आपका दोस्तों 17th ग्रुप है। तो यहाँ पर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, समझ पा रहे हो बात को? तो बेसिकली बोल रहा है फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जाने पर क्या होगा। अरे दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युतनात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन से कहीं पर भी जाओ घटेगी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पा रहे हो तो डिक्रीजेज होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान भी रखिए एक चीज़ कि ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या होता है, आप लोग नीचे से ऊपर जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, यानी दोस्तों फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। और आप तो नीचे आने की बात करो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाइए, चलिए आगे, ठीक है, चलो आ जाओ। चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, है ना, बताइए। सर जब हम अनअकैडमी पर 1 बजे आते हैं तो वहां लिखा होता है लाइव इन 11 आवर्स। अरे तो बेटा आप जैसे मान लीजिए आपने एक दिन पहले खोल के देखा तो क्लास तो 1 बजे ही होगी ना। जैसे मान लीजिए आप है ना एक दिन पहले देख रहे हो शाम को 6 बजे 7 बजे, तो उस दौरान अगले दोपहर 1 बजे बजने में जितना समय बाकी होगा, मान लीजिए 11 घंटे बाकी है, तो ये तो लिखा आएगा लाइव इन 11 आवर्स। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वहाँ पर आ गए अभी टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो सर मेरे लिए, तो टेस्ट का मतलब है दोस्तों आप सीधे 1 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको, परमाणु संख्या बोल लीजिए, परमाणु क्रमांक बोल लीजिए, कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस तत्व के समान होगी, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सर मैं खाना खाती हूं, क्लास देख रहा हूं। अब देखो ये ओम प्रकाश गुर्जर जी है, ये बोल रहे सर मैं खाना खाती हूँ, ये सोच रहा है कि मैं लड़की बन जाऊंगी तो सर मुझे मेरा कमेंट पढ़ लेंगे। तो मैंने कमेंट इसलिए नहीं पढ़ा कि आपने लिखा है सर मैं खाना खाती हूँ, मैं इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपका नाम ओम प्रकाश है और बोल रहे हो मैं खाना खाती हूँ। तो मतलब आपको ये अपना कमेंट पढ़वाने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप, ये देख लो, बाकी बच्चों देख लो, लड़का है लड़की बन के बात कर रही है। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, एटॉमिक नंबर 20 है, चलो 20 है तो इसकी प्रॉपर्टी किसकी जैसे होगी? देखो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए 20 एटॉमिक नंबर किसका है, कोई बता सकता है किसका है? तो कैल्शियम का होता है आप लोगों का। अब आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब टोटल 18 ग्रुप है। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो देख लो मैग्नीशियम के साथ में कौन सा आता है, तो देखो ये जो सेकंड वाला ग्रुप होता है इसमें आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो दोस्तों ये जो बेरिलियम है और आपका मैग्नीशियम है और आपका कैल्शियम है, ये तीनों क्या एक ही ग्रुप में आ रहे हैं क्या? तो कैल्शियम की प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी? इसके जैसे होगी, बेरिलियम के जैसे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर मुझे तो पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती। देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो कैल्शियम और आपका बेरिलियम दोनों एक ही ग्रुप में है तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर मुझे पीरियोडिक टेबल याद नहीं है कि पहले ग्रुप में क्या है दूसरे ग्रुप में क्या है, तो दूसरा तरीका समझो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखो इधर आओ, ठीक है। चलिए अब देखो मेरी बात को समझो आप, एटॉमिक नंबर 20 दिया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सर 20 है ना। तो पहले आपका 20 है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं, चलो कैपेसिटी 18 की है, 10 आ चुके बच्चे, 10 इसमें लगा दूं क्या? तो बहुत जने सोचेंगे सर ऐसे आप लोग लगा दो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोग जानते हो बाह्यतम कक्षा की कैपेसिटी कितनी ही क्यों ना हो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 8 ही रह सकते हैं। तो भैया 10 नहीं रह सकते, 8 ही रह सकते हैं अधिकतम। तो एक काम करते हैं इसको फिर हम लोग 8.2 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, चलो समझ में आ गई बात को। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखो आप मुझे बताओ अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में तो ये क्या करना चाहेगा? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा। दोस्तों ये क्या चाहेगा कि कैसे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए जिससे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसकी प्रकृति कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होगी।
और दोस्तों इनमें से जिसके भी बाह्यतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी होगी। क्लियर? तो भैया इसके देखते हैं, ये तो दोस्तों 2.3 हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम देखो 2.2, तो ये सीधी सीधी ये प्रॉपर्टी होगी, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बात को? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या मैक्सिमम है, बताइए। सर पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर वाइज कैसे याद करें, हॉरिजॉन्टल वाइज? तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो कर रखा है, एक 7 मिनट ट्रिक एक चैनल है उस पर, वहां पर जाके देख लो, आपको सारा याद हो जाएगा। बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है? तो देखिए ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है, ये देखो ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर जितने भी आप लोग ब्लू वाले देख पा रहे हो वो मेटल्स है, येल्लो वाले आप लोग जो देख पा रहे हो वो आपके नॉन मेटल्स है। तो मुझे बताइए नॉन मेटल सबसे ज़्यादा कितने है? देखो पहले जो पीरियड है, पहले आवर्त में इसमें तो दो ही है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 है, और नीचे आओगे कम होते जा रहे हैं, और कम और कम और कम। तो सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटल है दोस्तों सेकंड वाले पीरियड में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बताइए। आंसर बताइए, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व कौन से हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों 30 तक आप लोग क्या रखिए, याद रखिए एटॉमिक नंबर वाले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो देखो यहां पर आपको पता है 18 किसका है, आपका ऑर्गन का है, 10 किसका है दोस्तों, नियॉन का है। तो नियॉन, ऑर्गन दोस्तों ये दोनों तो क्या है, इनर्ट गैसेज है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पता है फिर 36 और 54 भी आपकी इनर्ट गैस ही होगी, समझ रहे हो? बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये देखो 36, ये 54 और ये आप लोगों का 86। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सभी के सभी क्या होती है, इनर्ट गैसेज होती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं भी पता तो इन दोनों से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आप लोग सभी जानते हो, जल्दी से बताओ क्या होता है, CaOCl2 आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो इसमें जब आप लोग पानी डालोगे तो कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। कैसे बनती है, इधर देखो, देखो जब आप लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 में जब वाटर डालते हो तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लैग्ड लाइम, या हिंदी में बोलोगे तो बुझा हुआ चूना, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब मैं आप लोगों को कुछ बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। अब दोस्तों जो सुबह 9:30 बजे अपनी जो क्लास होती है ना, इसको हम लोग कुछ एक नया रूप देते हैं। आप लोगों को पता है डेली दोपहर 1 बजे तो मैं आप लोगों को MCQs की प्रैक्टिस करवाता हूँ बहुत सारी। तो आप लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत होती है ना सर, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आपका चाहिए, जैसे कल मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आपको साइंटिफिक नेम की ट्रिक करवाई थी, आपको देखा था कि आपने, तो जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद करवाई थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कल करवाऊँगा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो सर इसमें क्या होगा, जैसे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोस्तों एनिमोफिली क्या होता है, आप लोगों का पीसी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर क्या होता है, स्टडी ऑफ फिशेस क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ ये, स्टडी ऑफ ये, स्टडी ऑफ ये, तो सभी मैं ब्रांचेस करवा दूंगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आप दोस्तों आपको एक काम करना है, करोगे क्या, आपको वो कमेंट करना है कि सर ये वीडियो करो छोटे से में। जैसे मान लीजिए कोई बोलेंगे सर सारे प्लांट्स हार्मोन का एक वीडियो बना दो, कुछ बोलेंगे सर एनिमल हार्मोन्स का बना दो, कुछ बोलोगे सर वायरल डिजीज का बनाओ, कुछ बोलेंगे सर बैक्टीरिया डिजीज का बनाओ। तो अब हम लोग ऐसे छोटे छोटे वीडियो करेंगे जिससे आप लोगों को कम समय में 20-25 मिनट के वीडियो में वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए आपको, समझ रहे हो क्या?
या फिर मैं अपने हिसाब से मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है क्या चीज़। अब आप ये मत बोलना सब फिजिक्स कराओ एक वीडियो में, तो एक वीडियो में फिजिक्स तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों को पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो क्या? तो कल हम लोग करेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। और दोस्तों दोपहर 1 बजे वाली क्लास में आप लोग एमसीक्यू मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है वहां पर मैं पूरे एमसीक्यू करा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर एनवायरनमेंट के एमसीक्यू कर रहे हैं, डेली 1 PM पे होती है, इसको मिस मत करो आप अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आप लोग यहाँ के उठा के देख लो, सारे इसी में से बना है। अरे दोस्तों कल फेरेनहाइट का एक आया था कि थर्मोमीटर की इन्वेंशन किसने करा, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा था फेरेनहाइट में, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को शानदार रैंक भी मिलती है कि आप लोगों की क्या रैंक आई है। समझ पा रहे हो बात को? तो चलिए दोस्तों इस क्लास के लिए क्या करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आप लोगों को मेरा नाम मिलेगा नीरज जांगिड, सर्च कर लो, मुझे फॉलो कर लो, यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगा। तो एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को ये सारी क्लासेज मिल जाएगी। आप लोग दोस्तों जब कोई क्लास खोलोगे, अगर आप नए यूजर हो तो आपसे कोड पूछा जाता है, नीरज 11 डाल के अनलॉक कर दो, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक योर फ्री प्लान। ठीक है, और यहाँ पर आपको टॉप टीचर्स के टॉप बैचेस दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले हैं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे, तो सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको बेस्ट टीचर्स के सभी कोर्सेज मिलेंगे, कौन कौन से, सीजीएल का, सीएचएसएल का, और आपका सीटी का स्टार्ट हो चुका है, तो यहां पर आपको सारे कोर्स आप लोगों को मिलेंगे एक सब्सक्रिप्शन पे। तो सब्सक्रिप्शन ले लो, गेट सब्सक्रिप्शन 2 साल का पड़ता है दोस्तों, 7200 का, रेफरल कोड डाल दोगे नीरज 11 तो ये आपका 6480 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग एसएससी बैंक रेलवे का कंबाइंड चाहते हो तो दोस्तों 1 साल का 14450 है, नीरज 11 लगा लो अप्लाई कोड नीरज 11, एक्स्ट्रा 10% के लिए नीरज 11, तो ये आपका 13000 का पड़ जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ, हाँ मेरा पेन मिल गया दोस्तों, मेरा पेन मिल गया। अब आपके कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, जल्दी से बताइए। गया वाले भैया, सर आपने कौन सा चैनल बताया, आप तो बस डाल देना पीरियोडिक टेबल ट्रिक नीरज सर डाल दो। ठीक है, कंप्यूटर के सभी फुल फॉर्म करवा दीजिए। ओके, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया है, बहुत बढ़िया, इसका भी एक वीडियो कर लेंगे। सर मैं ग्रुप डी के लिए करूँ या फिर मैं आपका फ्रेंड, में कॉमर्स से था, आपसे साइंस पढ़कर स्टूडेंट बन गया। चलो अच्छी बात है, आप है ना जब तक यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, कंप्यूटर के सभी फुल फॉर्म करा देंगे, टेंशन ना लीजिए आप, है ना दोस्तों, रासायनिक फॉर्मूला भी करवा देंगे, टेंशन ना लो आप। पीडीएफ 1 बजे वाली कहां पर मिलेगी, वो आपको अनअकैडमी पर ही मिलेगी। ठीक है, ओके दोस्तों, तो बिल्कुल मस्त रहिए, आपको बिल्कुल भी देखो, हम लोगों ने पूरा डिटेल में पूरी साइंस पढ़ चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, रोज इतने सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं 1 PM पे, तो उससे आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर अब मैं आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपको छोटे पैकेट में बड़ा धमाका मिलता रहे। ठीक है, ऑल इन्वेंटर, चलिए ठीक है, उसका भी वीडियो कर देंगे, है ना, जब लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके नीचे कमेंट में कर देना आप, है ना, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दे रहे हो, थैंक यू सो मच आप सभी को। ठीक है, सर यूट्यूब पे, हाँ ये तो 9:30 बजे क्लास आपकी यूट्यूब पे रहेगी, है ना सर, YouTube की PDF कहाँ मिलेगी, जब क्लास खत्म हो जाएगी इसको नीचे आपके कमेंट में एक आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। 1 PM के दोस्तों क्लास आज नहीं होगी, मैंने कमेंट में लिंक डाल दिया है, वो कल वाली क्लास की है ना, तो आप लोग नोटिफाई मी कर लो उसको, तो जब कल क्लास होगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले देखो, NTPC में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है ना, जितने आते हैं वो हम लोग कर चुके हैं, बस मोमेंटम, ये सिंपल सिंपल फॉर्मूला पूछ लेगा, ग्रुप डी में करेंगे हम वो चीज। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे, आज 1 बजे वाली क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।